Assalamu alaikum. My name is Jabeen Shafiq. I'm Student Recruitment Manager, NC Solicitors. आप सब मुझे NC Solicitors के लाइव फेसबुक सेशन में देख रहे हैं. मैं NC Solicitors के प्लेटफॉर्म से आपके साथ आज कनेक्टेड हूँ. आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आज मैं ऑस्ट्रेलिया की करंट सिचुएशन COVID-19 से रेलिवेंट और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर ओपनिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, बायोमेट्रिक सेंटर्स ओपन हो गए हैं या नहीं हुए, और इसके अलावा जो करंट प्लान होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए टेबल बी पायलट स्कीम, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, बॉर्डर्स कब तक ओपन हो जाएंगे और इंटरनेशनल स्टूडेंट कब तक ट्रैवल कर सकेंगे, बिसाइड्स यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है और हमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्राम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट. इसके अलावा मेरे पास जो है इंटेक्स और स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी के किस इंटेक को आप टारगेट कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं बात करूंगी करंट सिचुएशन जो है कोरोना की ऑस्ट्रेलिया में वो क्या है. अभी राइट नाउ जनवरी से अभी तक जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में वह तकरीबन 27,000 के राउंड अबाउट थे, जिसमें से तकरीबन 26,000 जो केसेस हैं वो रिकवर हो चुके हैं. और अभी जो करंट स्टूडेंट हैं डेथ रेशो जो है वो तकरीबन जो है 900 के राउंड अबाउट है, जो आई थिंक बहुत कम है. ठीक है, अभी आज तक की जो रिपोर्ट मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रही हूँ ये मुझे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के वेबसाइट से, ऑफिशियल जो वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, वहाँ से मैं आपको स्टैटिस्टिक्स जो है वो शेयर कर रही हूँ और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है. राइट नाउ कोरोना जो है ऑब्वियसली डेट वॉज अ ग्लोबल सिचुएशन, एवरीबडी वॉज सफरिंग थ्रू, लेकिन अभी ग्रेजुअली जो है हम इस पर कंट्रोल जो है सभी लोग जो है ऑब्वियसली थोड़ी सी SOPs को फॉलो करना डेट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीबडी, और उस पर ग्रेजुअली जो है फर्दर एग्जीक्यूशंस भी हैं. और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास अब वैक्सीनेशन भी है. राइट, अभी परसों ही मैंने न्यूज़ में देखा है और ये वैलिड न्यूज़ है WHO की तरफ से कि ऑस्ट्रेलिया वैक्सीनेशन जो है वो अपनी थर्ड स्टेज पे है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगामी 2 या 3 मंथ्स में जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी और वो हम इसको प्रॉपरली जो है पब्लिक तक पहुँच सकती है. ठीक है, अपनी टेस्टिंग की थर्ड स्टेज पर है जो वैक्सीनेशन है. राइट, इस वैक्सीनेशन आ जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा? डेफिनेटली सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को होगा, जो वहाँ के जो वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाह रहे हैं, और उनके जो वीज़ा होल्डर्स हैं, जिनका वीज़ा ग्रांट हैं, जो ऑफर होल्डर्स हैं, और जिन्होंने अपना प्रोसीजर है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में प्रोसेस करने के लिए फ़िलहाल रुके हुए हैं, वो इमीडिएटली इसको प्रोसेस कर सकते हैं. डेफिनेटली वहाँ के लोकल्स के लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है. ऑब्वियसली एक हेल्थ इशूज़ है, हर बंदे को जो है अपने हेल्थ सिक्योरिटीज़ कुछ इशूज़ हैं उससे हम कोप कर सकते हैं. सो यस, एक तो वैक्सीनेशन का होना दैट्स एन अमेजिंग न्यूज़. इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी तक वो भी फाइनलाइज हो जाएगी और करोना वायरस पे हम प्रॉपरली जो काबू पा सकेंगे. करंट सिचुएशन जो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, अगर मैं बात करूँ बॉर्डर कब से ओपन हो रहे हैं, करोना केसेस आर वेरी मच कंट्रोल्ड, मैं आपको भी क्लियर कर दूँ. बहुत सारे जो उनके इंटर स्टेट्स हैं वो ओपन हो गए हैं. इंटर स्टेट्स जो हैं उनके जो सूबे हैं, जो उनके प्रोविंसेस हैं, उन्होंने अपने बॉर्डर्स जो हैं दूसरे प्रोविंसेस के लिए ओपन कर दिए हैं. लाइक इंटर ट्रैवलिंग जो है उनकी वो स्टार्ट हो गई है. ठीक है, इंटर ट्रैवलिंग स्टार्ट होने का प्लस पॉइंट क्या है और इससे मैं कैसे आपको ये फाइनली कंक्लूड करके बताऊँगी किस तरह हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं वो भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के लिए जल्दी ओपन हो जाएंगे. इंटर बॉर्डर जो ओपन हुए हैं उस पर कुछ बढ़ते SOPs और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एग्जीक्यूशंस हैं, जिसमें जिनको सभी जो स्टेट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना है. राइट, SOPs को अगर वो फॉलो करेंगे, और क्योंकि अभी जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया है, विक्टोरिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, ये वो स्टेट्स हैं जो अभी राइट नाउ कोविड फ्री हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इनफैक्ट क्वींसलैंड ने विक्टोरिया के लिए 23 नवंबर से अपने बॉर्डर जो हैं फुली ओपन कर देंगे. ठीक है, बॉर्डर ओपनिंग जो इट्सेल्फ है फॉर लोकल दैट्स वेरी गुड न्यूज़. इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में क्रिसमस है, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंटर बॉर्डर को ओपन किया जाए. अगर ड्यूरिंग दैट पीरियड उनके केसेस रिपोर्ट नहीं होते करोना, तो इंशाल्लाह January 2021 में इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी ओपन हो जाएंगे. तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक बहुत अच्छी ग्रेट न्यूज़ है, और मैं आपको अपने लाइव सेशन में ये कन्फर्म कर रही हूँ कि ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर ओपनिंग जो है वो कन्फर्म्ड होगी बाय January 2021 इंशाल्लाह. राइट, इसके अलावा मैं आपको ये भी चीज़ बताती चलूँ,
अभी रिसेंटली मेरे लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि मेरा यूट्यूब था सेशन, उसमें मैंने ये क्लियर किया था 22 अक्टूबर को कि बायोमेट्रिक सेंटर्स जो हैं वो जल्दी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के लिए ओपन हो जाएंगे, और वो बायोमेट्रिक सेंटर्स ओपन हो चुके हैं 2 नवंबर से, फंक्शनल हैं, और आप इमीजिएटली अगर आपका COE आपके पास है, आपके पास वैलिड COE है, तो आप इमीजिएटली अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने प्रोसेस बिल्कुल अपना रोका हुआ था कि अभी तो जा ही नहीं सकते, कौन सी इनटेक है, आप कन्फ्यूजन है, मैं अभी बाइंडिंग अप करते हुए आपको कुछ सेशंस भी क्लियर करूँगी जिसमें आप इमीजिएटली जो है अपने ऑफर को सिक्योर कर सकते हैं, राइट। वीएफएस ग्लोबल जो है ऑस्ट्रेलिया बायोमेट्रिक सेंटर्स ओपनिंग जो है ये इट्सेल्फ एक इंडिकेशन है कि ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो जल्द ही ओपन हो जाएंगे, बिकॉज उसके 2-3 रीजंस हैं, वैलिड रीजंस हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो इकोनॉमी है वो आई थिंक आई मस्ट से 60-75% जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट पे बेस्ड करती है, उनकी टूरिज्म और उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, तकरीबन ये 9-10 माह हो गए हैं कि बॉर्डर्स बंद हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा लॉस जो है किसी भी कंट्री के लिए बेयर करना बहुत मुश्किल होता है। सो राइट नाउ अभी आप ये कन्फर्म मैं आपको इसलिए कर रही हूँ कि ये एक वैलिड न्यूज़ है, और मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की वैलिड गवर्नमेंट जो हैं डिफरेंट वेबसाइट जो वैलिड हैं वहाँ से ये आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि जो कमिंग आपकी इंटेक होगी डेट विल बी फेब इनटेक, और वो कन्फर्म होगी, लेकिन उसमें कुछ पार्शल ओपनिंग होगी स्टेट्स की, फुली ओपनिंग भी इंशाल्लाह वो ग्रेजुअली मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करती जाऊँगी वो कब होगी। मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और मैं सबका आप सबका बहुत शुक्रिया इस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए, ये सब आपके लिए है। और आपकी ड्यूरिंग सेशन कोई भी आपकी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं आपकी ऑफर के बारे में, आपके वीज़ा के बारे में, जिस भी स्टेज पे आपका केस है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपकी सभी जो क्वेश्चन हैं क्वेरीज हैं उनको आंसर करूँगी, राइट। अभी मैं आपसे ये बात कर रही थी कोरोना जो स्टार्ट हुआ था इनिशियली वो जनवरी में से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जुलाई जो इनटेक थी उसको हम कन्फर्म कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुलाई 2020 में सेकेंड वेव आई कोरोना की, जिसकी वजह से मेलबर्न में सबसे वो स्टार्ट हुई थी, उनको दोबारा जो है अपना इंटर बॉर्डर भी क्लोज करने पड़े, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी वो स्टिल अभी जो है सफ़र ही कर रही थी। लेकिन अब ग्रेजुअली जो है अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है हमारे पास अच्छी न्यूज़ आ रही है, और ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी पे, क्योंकि द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास कुछ गुड न्यूज़ है, और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम फेब इनटेक के लिए इमीडिएटली प्रोसेस करवाती है, अपनी ऑफर ज़रूर सिक्योर करें, बिकॉज अभी फेब इनटेक के लिए हमारे पास बहुत अच्छे स्कॉलरशिप नहीं है, तो अपनी जो है सीट्स पर कन्फर्म करना है, अपना ऑफर लेटर को कन्फर्म करें, अगर आपने डिपॉजिट रोके हैं उनको भी पे करें, और अपना COE कन्फर्म करके वीज़ा के तौर पर सेल करवाएं इमीडिएटली, राइट। सो दैट्स राइट, बायोमेट्रिक सेंटर्स ओपन हैं, अपने वीज़ा को कन्फर्म कर लें। नेक्स्ट फिर पॉइंट जो है मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगी, दैट विल बी फ्लाइट एग्जम्पशन, इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब से ओपन हो रही हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे अपने जो क्लाइंट्स हैं मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो उनके वीज़ा ग्रांट हैं और जिनके ऑफर सीट हैं या COE उनके फाइनलाइज्ड हो चुके हैं, और वो वेट कर रहे हैं कब उनके बॉर्डर ओपन हो जाए, तो डेफिनेटली मैं उसे कन्फर्म करूँगी। फ्लाइट्स जो हैं इंशाल्लाह इंटर बॉर्डर स्टेट्स ओपन होने के बाद मैं आपको कन्फर्म करूँगी जो पार्शल ओपनिंग होगी फ्लाइट्स की डेट पर भी चैन, ठीक है, क्योंकि फेब इनटेक जो है वो इंशाल्लाह फेस टू फेस होगी, और जो आपकी जो फ्लाइट्स रिज्यूम हो जाएंगी वो इंशाल्लाह बाय जैन 2021 फुली हो जाएंगी, क्योंकि पार्शली तो वो ड्यूरिंग क्रिसमस हो रही हैं, ठीक है। सेमेस्टर वन जो होगा ऑस्ट्रेलिया, आप किसी भी आपके बैचलर प्रोग्राम है, मास्टर्स है, फाउंडेशन ये प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है, और वो आपका इंशाल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा, आप बिल्कुल अल्लाह ताला से उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि वो आपका फेस टू फेस ऑन कैंपस ही हो, ठीक है। अब है पायलट स्कीम, बॉर्डर ओपन हो जाएंगे, सब कुछ दैट्स राइट, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, हो जाएगा, बॉर्डर ओपन हो रहे हैं पार्शली, इंटर बॉर्डर हो रहे हैं, वैक्सीनेशन भी आ रही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, और इसके अलावा जो है आप ट्रेवल भी कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिसंबर, और जैन फेब इनटेक वुड बी फेस टू फेस, दैट्स राइट, राइट। पायलट स्कीम है, अब SOPs को तो फॉलो जो है उनके लोकल्स भी कर रहे हैं, इसके अलावा पायलट स्कीम होगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या होगी और उसको आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, उसके क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, ठीक है, आप उसके कैसे फॉलो करेंगे, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, और कैसे आप सेफ ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको अभी कन्फर्म ये करूँगी। पायलट स्कीम जो है इट्स बेसिकली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी ट्रैवल कर रहे होंगे वो पहले क्वारंटीन करेंगे,
राइट आपके यहाँ से ट्रैवलिंग से पहले भी कोरोना का टेस्ट होगा. जब आप वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच जाएंगे अगेन कोरोना टेस्ट के बाद, उनके क्वारंटीन सेंटर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली वो ड्राइविंग के ऐसे एरियाज में हैं जो कंट्री साइड पे हैं. आप वहाँ पे 14 डेज के लिए क्वारंटीन हो जाएंगे. आफ्टर 14 डेज के आइसोलेशन के बाद आपकी जो भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है आप वहाँ पर आराम से इनरोल हो सकते हैं. ठीक है, तो क्वारंटीन और बाय द वे कॉर्चेज क्वारंटीन जो पीरियड आप करेंगे, यूनिवर्सिटीज इतना ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रही हैं अराउंड अबाउट 30%, 40%, तो कैंडी उस मनी को जो है आप सेव रखिएगा, बिकॉज क्वारंटीन पीरियड का जो आपने पे कॉस्ट पे करनी है, जो कॉस्ट पे करनी है वो आपने खुद करनी है, जिसकी कॉस्ट कम अज़ कम जो है $3,000 होगी जो आपने बेयर करनी होगी. तो मेक श्योर आप जब भी ट्रेवल करें अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन के अलावा आपको जो पैसे साथ लेके जाने गए क्वारंटीन जो आपने क्वारंटीन पीरियड जो पेयर करना है उसमें जो आपने पैसे पे करने हैं, कॉस्ट पेयर करनी है वो आपने खुद करनी है, और उसकी जो अमाउंट है वो राउंड अबाउट $3,000 है. दैट्स राइट. ठीक है, सो मैंने आपको 3-4 चीज़ें अभी कन्फर्म कर दी हैं. एक सबसे पहले जो करंट सिचुएशन है कोरोना की, दैट्स रियली कंट्रोल्ड. ठीक है, बॉर्डर ओपनिंग कन्फर्म है, इंट्रा बॉर्डर ओपन हो गए हैं. क्रिसमस में अगर इंटर बॉर्डर फुली ओपन हो जाएंगे और ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर कोई भी कोरोना केस बुक नहीं होता तो दैट्स फॉर श्योर इंटरनेशनल बॉर्डर ओपनिंग जनवरी में कन्फर्म है, इसको कोई नहीं रोक सकता. ठीक हो गया. VFS ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया बायोमेट्रिक सेंटर्स रहे हैं, इट्स ऑलरेडी ओपन. ठीक है, 2 नवंबर से हैं और फंक्शनल हैं. आप अपनी स्लॉट से बायोमेट्रिक सेंटर्स ओपन होने का सबसे बड़ा वीज़ा आप इमीजिएटली प्रोसेस करवाएं, अपने बायोमेट्रिक्स वगैरह सबके साथ उसे कंप्लीशन के बाद अपनी फाइल सबमिट करें. ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द वीज़ा ऑन टाइम और आपकी ट्रैवलिंग जो है वो टाइमली हो जाए आपके कोर्स कमेंसमेंट से पहले. ठीक है, ओके. इंटरनेशनल फ्लाइट एग्जम्पशन मैंने आपको कन्फर्म की है, डेवलपिंग इन जैन इंशाल्लाह. और उसके बाद पायलट स्कीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ऑस्ट्रेलिया की तरह से फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, प्लीज़ उसको फॉलो करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेशन मैंने किया है कि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली इसका मोटो क्या होगा. अब फर्दर बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ का रिस्पॉन्स कैसा है, कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कि डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज के लिए आपस में निगोसिएशन चल रही है. ठीक है, कि कोविड के अकॉर्डिंगली कैसे फर्दर एग्जीक्यूशन की जा सकती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस तरह और होल्ड पर नहीं रखा जा सकता. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ट्रैवल फॉरी ट्रैवल करवाने के लिए जो उनके प्लान्स हैं वो उसको आप कैसे कर सकते हैं, और वो फर्दर यूनिवर्सिटीज़ की भी तरफ से ऑफर्स भी आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी जो है मैक्सिमम स्कॉलरशिप भी दे रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. तो दैट्स फॉर श्योर कि अगर यूनिवर्सिटी इतनी रिस्पॉन्सिव है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी चाहती है, क्योंकि ऑब्वियसली लॉस तो दोनों तरफ से है, यूनिवर्सिटी का भी है और गवर्नमेंट का भी है. तो दोनों जो लॉस से कॉप अप करने के लिए उनके लिए बेस्ट प्लान जो है वो यही करना होगा कि एग्जीक्यूशन ये होगी कि वो जो फ्लाइट्स और जो बॉर्डर ओपनिंग है उसको कन्फर्म करें. राइट, तो उस यूनिवर्सिटीज की तरफ जो रिस्पॉन्स है वह बहुत अच्छा है. थोड़ा सा स्लो इसलिए भी है कि डेफिनेटली थोड़ा सा इंटेक के इश्यूज हैं, ऑनलाइन इनरोलमेंट्स को कोई भी कंफर्म इसलिए नहीं करता. ये सबको पता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप इतना पे करके जा रहे होते हैं तो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट जा रहे होते हैं इतना कॉस्ट पे करके एक सेमेस्टर की फीस जो आप राउंड अबाउट 15,000 पे करती हैं उसके बेस पे ऑनलाइन आपको क्लासेस लेना किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को सूटेबल नहीं होता. लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ एक ऐड कर दूँ, अगर आपके पास वैलिड अपना COE है और आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है, अगर आप एक सब्जेक्ट भी जो है अपना ऑनलाइन इनरोल कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो कमिंग प्लान होगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंगली बस उन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके वीज़ा ग्रांट है और वो यूनिवर्सिटी के साथ इंगेज हैं और कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप एक सब्जेक्ट ही करें. उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अगर आपका ऑनलाइन कोर्स जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आप बेशक एक ही कोर्स क्यों ना एक सब्जेक्ट ही क्यों ना पढ़े, अगर वह आपको क्लियरली अंडरस्टैंडेबल नहीं है और आपको लगता है कि आपके वेस्ट ऑफ टाइम है, आप विद इन 3 वीक्स जो हैं यूनिवर्सिटी को क्लेम कर सकते हैं कि ये जो कोर्स है हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हमें क्लियर नहीं है, तो हम इसे ड्रॉप करके ऑन कैंपस पढ़ना प्रेफरेंस करेंगे. उसमें आपकी जो एक सब्जेक्ट की फीस है वो भी सेव रहती है. ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जितने भी वीज़ा ग्रांट स्टूडेंट हैं आप एनरोल नहीं भी हो रहे तो ऑब्वियसली आप सेफ साइड पे इसलिए भी हैं कि आप लोगों के पास वैलिड ऑफर लेटर हैं, आपकी फीस पेड हैं, COE आपके पास हैं. आप सिर्फ वेट करें, जब भी बॉर्डर ओपन होंगे तो आप डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं. ऑनलाइन
जो स्टडी सेल्फ टेस्ट नॉट मैंडेटरी, किसी के लिए भी अभी लाजिम नहीं है कि आप ऑनलाइन ही स्टडी करें, डिफर की ऑप्शन होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी कंफर्म करना चाहूँगी कि चाहे पेन चेक है जो है वो फेस टू फेस ही होगी, उसके लिए आपको डिफर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया कि अब इनटेक कौन सी है, किस इनटेक को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, किस इनटेक में आप अपना ऑफर ले सकते हैं और अकॉर्डिंग प्रोसेस कर सकते हैं। सी अभी तक जुलाई और अक्टूबर इनटेक भी जिन स्टूडेंट्स ने आगे ऑलरेडी प्रोसेस करवाया है उनके पास ऑफर लेटर भी हैं, COA भी हैं और अकॉर्डिंगली जो है वो अपना एडमिशन वगैरह प्रोसेस करवा रहे हैं, अपने एजेंट से इन टच हैं, तो उनको थोड़ी सी चीज़ों का आइडिया होगा। जिनको बिल्कुल नहीं है, आपने बिल्कुल होल्ड पर रखे हैं अपने केसेस कि जी नहीं, जब ऑफ़र आएगा और जब ऑर्डर ओपन होंगे तभी इसे प्रोसेस करवाएंगे, ऑफ़र लेके आप या तो अपने होल्ड पे कर लिया, जो भी सिचुएशन है, प्लीज़ ग्रेजुअली जो है इसको प्रोसेस करवाते जाएंगे। कि अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्स है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी थोड़ा स्लो है, यूनिवर्सिटीज़ भी अपना टाइम ले रही हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपना जो प्रोसीजर है वो इमीजिएटली करें। ठीक है, एक ऑफ़र लेटर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली टाइम लेता है 12 to 15 वर्किंग डेज। उसके अकॉर्डिंग अगर आप टाइमली प्रोसेस करवा लेंगे तो आपको की वेब इनटेक जो है वो फेस टू फेस हो सकती है। ठीक हो गया, उसके बाद जो है अगर आपकी GT क्लियर है, फाइनेंशियल आपके क्लियर हैं या क्लियर नहीं है, सबसे पहले तो उसे प्रोसेस करवा लें। अगर तो क्लियर है तो प्लीज़ उसको होल्ड ऑन ना करें, अपनी ट्यूशन फीस जो है वो इमीडिएटली डिपॉजिट करवा दें और उसके पास COA के लिए अप्लाई कर दें। अगर आपके पास आपका वैलिड COA होगा तो इमीडिएटली जैसे ही बॉर्डर ओपन होंगे उससे पहले तो आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक सेंटर्स जो है ओपन है, VFS ग्लोबल जो है इस ओपन फॉर ऑस्ट्रेलिया, आप इसे इमीडिएटली प्रोसेस कर सकती हैं और जैसे ही बॉर्डर ओपन होंगे आप इमीजिएटली ट्रैवल भी कर सकते हैं। राइट, सो ये जब अभी हमने एक बाइंड अप कर लिया, इनटेक इमीजिएटली फैब इनटेक इज हियर, आप उसको इमीजिएटली प्रोसेस कर सकती हैं। आपके पास अभी टाइम है, दिसंबर है और जैन के मिड तक इसको आप इमीजिएटली जो प्रोसेस कर सकते हैं। आपको ऑफर लेटर और जैसे इसी तक आप पहुँच जाएंगे तो फैब इनटेक ट्रैवलिंग के टाइम आपको ये इश्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपकी कोई चीज़ पेंडिंग है या COA नहीं आया हुआ या GT या फाइनेंशियल क्लियर नहीं है। ठीक हो गया, ये सब है। अब स्टेप बाय स्टेप मैंने ये चीज़ें जो आपको क्लियर की हैं, इसमें आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी क्वेरी है, आईज रिक्वायर्ड है, मेरे पास कुछ क्वेरीज हैं, इनफैक्ट काफ़ी क्वेरीज हैं, मैं वन बाय वन उसको आंसर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच अबू बकर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस सेशन, मोहम्मद अली थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इमरान है, हाय इमरान थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप आप लोगों को इससे कोई इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, प्लीज़ अपनी क्वेरीज को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्लाइट्स कब तक ओपन होंगे मोहम्मद अली, मैंने अभी फ़्लाइट्स के बारे में कंफर्म किए हैं, फ्लाइट्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह बाय जैन और डेट वो भी पार्शल, पूरी नहीं होगी। उसमें कुछ प्लान्स हैं जो यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ने आपस में निगोशिएट करके फाइनलाइज किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है ट्रैवलिंग होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन भी आ चुकी है और उसको अभी जो फाइनलाइज होने में तकरीबन 2-3 माह लग जाएंगे। 2-3 माह का मतलब ये कि फैब इनटेक हमको आप मीट कर सकते हैं, तो फ्लाइट्स वुड बी ओपनिंग इन Jan 2021 इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू दिशान फॉर वॉचिंग, वासिफ हैं, खालिद हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, कोई आपकी क्वेरी हो आप प्लीज़ आंसर कर सकते हैं। अता रहमान थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई क्वेरी है, थैंक यू सो मच एवरीवन, आमना है, लियाकत खान है, ओके जलाल आपका आपकी क्वेरी है, यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अंडरग्रेड प्रोग्राम, आप बिल्कुल मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सेम पेज को अगर आप फॉलो करें NCSO डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल पेज है उस पर ऑस्ट्रेलिया के लिए गिवन नंबर है, मैं रिपीट भी यहाँ कर देती हूँ 0308888133, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करवा के मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस है nc5@ncsolicitors.com। राइट, आपने डॉक्यूमेंट शेयर कीजिएगा, फर्दर जो है आप मुझे कोई क्वेरी हो कुछ आपके वो पूछ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर कर दूँगी। गुलचान थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मलिक राशिद थैंक यू फॉर बीइंग हियर, स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है अली, मेरे पास पार्शियल स्कॉलरशिप है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कोविड की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपनी स्कॉलरशिप पेस की और ये एक प्लस पॉइंट है, और जिन भी स्टूडेंट्स ने ड्यूरिंग कोविड अपनी फीस वगैरह पे की है उनको काफ़ी बेनिफिट रहा है, अप टू 40% स्कॉलरशिप, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी एक सेमेस्टर की 15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थी और आपको
ऑलमोस्ट 25% या 30% तक स्कॉलरशिप मिला है, तो उन्होंने $12,000-$13,000 फीस पे की है और इंशाल्लाह अब उनका COA भी आ गया है, वो वीज़ा फाइलिंग की तरह, तो बिल्कुल स्कॉलरशिप अवेलेबल है। प्लीज़ आप भी टाइमली अप्लाई करें ताकि आप भी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें। थैंक यू मियाँ नदीम फॉर ज्वाइनिंग अस। वासिफ, आपकी क्वेरी है 22 फरवरी से पहले ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपके पास वासिफ आपका वैलिड ऑफर लेटर है तो मैं आपको यही कहूँगी आप इसको प्रोसेस करवा दें। सी ओ ई तक अगर आप जा चुके हैं, प्लीज़ अपना वीज़ा प्रोसेस करें, टाइमली चीज़ों को मैनेज कर लें। आप प्लीज़ एजेंट के अपने जो भी आपके एजेंट है उसे कॉन्टेक्ट करें, अपनी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करें, उससे पहले पहले इंशाल्लाह आप ट्रैवलिंग वाली स्टेज पर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ऑफर लेटर है, अपनी फीस वगैरह पे कर लें, अपनी जो कंडीशन उसे क्लियर कर लें, GT प्रोसेस करवा के अपना COE जो है उसे कन्फर्म करके आगे आप वीज़ा की तरफ प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू मलिक शाहिद हैं, थैंक यू मलिक फॉर ज्वाइनिंग अस। अबू बकर की क्वेरी है, अबू बकर आपका जो बैंड है दिस वेरी गुड, आपके 7th बैंड हैं आइल्स में और मास्टर्स के लिए जो एक्सटेंडेड रिक्वायरमेंट्स होती है डेट वुड बी 6.5 विद नो लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल, तो आपके जो बैंड हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप इमीडिएटली प्रोसेस करेंगे। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ बार बार, मेरे पास आप जो 40% स्कॉलरशिप हैं और ये लिमिटेड हैं, आप इमीडिएटली भी प्रोसेस करवाएं तो इस स्कॉलरशिप को आप अटेंड कर सकते हैं। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, मेरा नंबर है 0308881363, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं nc5@nc.com पे, ठीक है। थैंक यू हसन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जलाल खान, जलाल आपकी क्वेरी है वीज़ा रिजेक्शन जो है वो ज़्यादा आ रही है, उसकी क्या रीज़न है? ऐसा कुछ ऐसा है नहीं है, अभी जब से बायोमेट्रिक सेंटर्स रहे हैं, VFS ग्लोबल DCM हुए हैं और वी आर गेटिंग द वीज़ा, एक वीक में हमारे दो वीज़ा, तीन वीज़ास आ रहे हैं और ये एक प्लस पॉइंट है। वीज़ा रिफ्यूज़ल की बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, इन केस अगर आपका किसी और कंट्री से ऑलरेडी रिफ्यूज़ल है, आइदर इस USA, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, अगर हॉलैंड, अगर इन कंट्री से आपका ऑलरेडी रिफ्यूज़ल था या आपकी SOP में कोई इशू होगा, फर्दर इशू से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपना वीज़ा रिफ्यूज़ल शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसको चेक कर सकती हूँ। वीज़ा रेशो जो है ऑस्ट्रेलिया दैट्स वेरी गुड, ऑलमोस्ट 99% है। रिफ्यूज़ल 2-3 चीज़ों की वजह से होते हैं, या तो आपको किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ल है जैसे कि मैंने बताया आपको, या आपके केस में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपरली आपका केस जो रेडी नहीं किया गया, तो वीज़ा रिफ्यूज़ल अभी तक तो नहीं आए, ठीक है। आप प्रॉपरली इसको पढ़ सकते हैं, अपना कंसल्टेंट से जो है वो उसको डिस्कस कर लें, यू कैन बेटर आंसर यू अबाउट योर केस, अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0308881363, आप मेरा जो रिजेक्शन लेटर है, रिफ्यूज़ल लेटर है, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उसको देख सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू हमसा अवैस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे पास और क्वेरीज हैं जी। क्वारंटीन चार्जेस जो है मैंने बताया, क्वारंटीन चार्जेस स्टूडेंट ने पे करने हैं, वासिफ मैंने आपको क्लियरली ये बात बताई है, जितने भी स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल करेंगे और उन्हें क्वारंटीन करने हैं, वो आपने अपने एक्सपेंस पे करने हैं, ठीक है। उसकी जो कॉस्ट है अराउंड अबाउट $3,000 है। आपने कोशिश करनी है स्कॉलरशिप, जितने भी स्टूडेंट ने अभी तक स्कॉलरशिप ले लिया है और उन्होंने जितने भी अमाउंट सेव की है, आप उसको साथ लेके जा सकते हैं अपने क्वारंटीन के चार्जेस का पे करने के लिए, वो अराउंड अबाउट $3,000 है और वो आप खुद पे करेंगे, स्टूडेंट पे करेगा। थैंक यू सो मच। उस्मान, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, आपकी क्वेरी है दैट मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स आर सेइंग दैट ऑस्ट्रेलिया वुड ओपन बाय द एंड ऑफ 2021। अगर ऐसा ही होता तो आई थिंक बायोमेट्रिक सेंटर्स में वो ओपन नहीं होते, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सारी र्यूमर्स में सुन रही हूँ जब से कोरोना चल रहा है, तो बिल्कुल ये चीज़ें मैंने भी सुनी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब चीज़ें करते हैं तो बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। मैंने भी यही सुना था कि 2021 है, न्यूज़ हैं, अब आप देखें ग्रेजुअली चीज़ें चेंज हो रही हैं। वैक्सीनेशन के बाद तो आप कह सकते हैं, बल्कि आपको 99% ये उम्मीद कर लेनी चाहिए, बिलीव कर लेना चाहिए बल्कि, कि बॉर्डर्स जो हैं इंशाल्लाह जैन 2021 में ओपन होंगे, कि वैक्सीनेशन जो आ गई अपनी लास्ट स्टेज पे है, थर्ड स्टेज पे है, इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगी विद इन 2 मंथ्स, तो फेब इनटेक को आप बिल्कुल मीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई ऐसे इश्यूज नहीं है, फेब इनटेक नहीं तो डेट वुड भी आप डिपेंड करता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी प्रोसेस करवा रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टूडेंट हैं,
उसके बाद नेक्स्ट इनटेक जो है वो अप्रैल हो गया, आप उसका भी प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स बहुत कुछ कह रहे हैं, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। बायोमेट्रिक सेंटर्स भी ओपन हो गए, तो इंशाल्लाह आप उम्मीद कर सकते हैं February 10, 2021 में फ्लाइट सर्विस रिज्यूम हो जाएंगे और February 5, 2021 देयर विल बी फेस टू फेस ऑन कैंपस। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेरी। थैंक यू ज़ुबैर, चौधरी नुमान, अमारा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अदील, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके अदील, आपके अदील अहमद की क्वेरी है कि कौन सी इंटेक जो है वो बेस्ट रहेगी और आपने मैट्रिक किया 2017 इंटर 2019, इमीडिएटली फाइल करें। अदील आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है, अगर 2019 के इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट हैं और वेट करें बॉर्डर ओपनिंग का, तो मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि आप लोगों का ऑलरेडी एक साल का गैप आ रहा है, ठीक है। इमीडिएटली फेब इंटेक के लिए इसे प्रोसेस कर लें, क्योंकि अभी तो यूनिवर्सिटीज वेव ऑफ कर देंगी आपके कोरोना की वजह से जो गैप आ रहा है, एक ग्लोबल सिचुएशन है, सबकी समझ में आती है ये बात। लेकिन अगर आप फेब इंटेक के लिए भी नहीं करते और आपका गैप इससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेगा और गैप जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप जिन जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे ये सेशन देख रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपने इंटर किया 2019 में, इमीजिएटली प्लीज़ अपना प्रोसेस करवा लें फॉर फेब इनटेक, क्योंकि इसके बाद आपका गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राइट नाउ अभी जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने September 2020 में अभी अपना FSC जो है या इंटरमीडिएट जो है वो क्लियर किया है, ठीक है। सो मेक श्योर अपने जो है ऑफर्स जो है उनको सिक्योर कर लें, टाइमली प्रोसेस कर लें, क्योंकि बाद में जो है आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, राइट। अहमद चीमा है, व्हेन ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर विल बी ओपनिंग, बॉर्डर्स पर भी ओपनिंग इंशाल्लाह बाय जैन 2021, राइट। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी पार्शियल इंट्रा बॉर्डर जो है वो ओपन हो चुके हैं। अहमद, मैंने अभी अपने पूरे सेशन में यही दो तीन चीज़ें बातें चुकी हैं, मेरे फोकस पॉइंट यही थे, टॉपिक मेरा यही था, उसमें बॉर्डर जो हैं इंट्रा बॉर्डर ओपन हो चुके हैं और वी एक्सपेक्टिंग बाय जैन 2021 फुली नहीं तो पार्शली जो है कुछ स्टेट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपने बॉर्डर ओपन कर देंगे और हम उम्मीद कर सकते हैं कि सेमेस्टर वन जो है वो फेस टू फेस होगा ऑन कैंपस ऑस्ट्रेलिया में। सो इमीडिएटली अपना प्लीज प्रोसेस करवा के अपना ऑफर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। अदील, आपने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन किया और आई वुड लव टू आंसर इट, वाई डन बेस पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे आई डोंट नो क्यों डन बेस पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है इसको नो कहती हूँ। डन बेस एक फेक डॉक्यूमेंटेशन पे आप जब केसेस अपने प्रोसेस करवाते हैं, आप अपने वीज़ा को रिस्क पे ले आते हैं, ठीक है। Always just please keep in your mind that whenever you go to your consultant and you are discussing your case with the consultant, आप जब भी अपने consultant को visit करते हैं उसके कुछ अच्छी निशानियाँ होती हैं। अच्छा consultant जो है ना वो आपको कभी नहीं कहेगा कि आप डन बेस की तरफ जाएँ, ठीक है। और जो और वो आपको कभी ये नहीं कहेगा यू नो डन बेस पे जितनी रकम मांगी वो देखिए और यू नो जस्ट गो विद इट, कोई हेडेक नहीं है। केस आपका है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री के लिए जब आप प्रोसेस करें तो बेसिकली आपके प्रोफाइल, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स इतने वैलिड होने चाहिए जो जाके एम्बेसी तक जाके आपके लिए एक वीज़ा इंश्योर कर सकें। अगर आप डन बेस पे कर रहे हैं और वो फेक डन बेस फेक डॉक्यूमेंटेशन है, आप हेडेक नहीं लेना चाह रहे, तो आई विल रिकमेंड प्लीज ना करें, आप जाएं ना बाहर, ठीक है। क्योंकि फेक डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपका जो केस है वो डेबी यू नो ऑन स्टेक, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका एक कंट्री से रिफ्यूज़ हो जाता है फेक डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, तो आप बाकी कंट्रीज़ के लिए भी बैन हो जाते हैं। ये बात अपने माइंड पे रखिएगा प्लीज़। फेक डॉक्यूमेंटेशन डन बेसिस पे जो केसेस करवाते हैं इसको बिल्कुल नहीं प्रोसेस करना चाहिए। ये टोटली आपके केस को स्टेक पे ले आता है, रिस्क पे है आपका वीज़ा कुछ नहीं मिलता। प्लीज़ स्टेप बाई स्टेप करें, प्रॉपर स्टेप हैं, अपने कंसल्टेंट के साथ प्रॉपरली एक एक चीज़ डिस्कस करें। एक अच्छा कंसल्टेंट वही होता है जो आपका केस स्टेप बाई स्टेप जनरली करे, इंस्टेड आपको वो मशवरा देके फेक डॉक्यूमेंटेशन कर ले, ठीक है। थैंक यू। बिल्कुल सैयद सज्जाद अली शाह, बिल्कुल मेरे पास पार्शियल स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं आपके 40%
40% स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि एक अच्छी अमाउंट है जो आप सेव कर सकते हैं इमीडिएटली प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है, और स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं मैक्सिमम मेट्रिक 2016 एम जीमा FSC 2018 है. वेल अहमद, आपके 5 semesters क्लियर हैं, आप बिल्कुल अपने क्रेडिट कार्ड ट्रांसफ़र कर पा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में. आप इमीडिएटली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है डेट इज nc5@thenccsolicitors.com. सेम नंबर है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डेट इज 0308888 1363, राइट. आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं स्कैन करवा के सेम नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए चांसेस हैं, आप ऑस्ट्रेलिया स्विच कर सकते हैं, क्रेडिट ट्रांसफ़र की भी ऑप्शन अवेलेबल है, राइट. थैंक यू सो मच. अदील, जान पेज पे वीज़ा नहीं लगता, मैं आपको बहुत क्लियरली कर चुकी हूँ, ठीक है, बहुत क्लियरली मैंने आपको ये एलिब्रेट किया है कि जान पेज पे वीज़ा इंश्योर कहीं नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही, आप हवा में तीर चला रहे हैं, लग गया तो ठीक है. सो अगर आपको श्योरिटी चाहिए, जब आप जाते हैं ना एजेंट के पास, बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैम 100% वीज़ा लग जाएगा, तो जब आप ये कहते हैं ना 100%, तो प्लीज़ काम भी फिर 100% होगा तो वीज़ा लगेगा ना. डन बेस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, फेक डॉक्यूमेंटेशन है डन बेस पे. जब तक आपका प्रोफाइल ही जेन्युइन नहीं है, आप डॉक्यूमेंटेशन ही जेन्युइन नहीं कर ले, आप वीज़ा को बिल्कुल भी इंश्योर नहीं कर सकते. सो प्लीज़ डन बेस पे नहीं कीजिएगा, मेरी ये बहुत एक सिंसियर एडवाइस है आप लोगों के लिए, डन बेस की तरफ बिल्कुल मत जाएं. एक दफ़ा आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा तो आप बाकी कंट्रीज़ के लिए भी बैन हो जाते हैं, प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है. थैंक यू अली अहमद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गर्ल्स, नो प्रॉब्लम विद यू. ओके जलाल, आपके क्वेश्चन है, मेरे सब डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, वीज़ा रेशो कितना होगा? वेल, आपके दैट्स वेरी गुड, एक बात से बात निकल रही है. आई एम वेरी हैप्पी कि सेशंस को आप लोग इतना फैमिली जो है ज्वाइन कर रहे हैं, रिस्पांस बहुत अच्छा दे रहे हैं, आपकी क्वेरीज हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपकी क्वेरीज को इतने अच्छे से आंसर कर पा रही हूँ. ओके जलाल, आपके अगर केस जो है वो जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल हैं, जेन्युइन है, आपका प्रोफाइल अच्छा है, आप फ्रेश इंटरमीडिएट हैं, तो डेफिनेटली आपके वीज़ा रेशो जो है वो 99% इनफैक्ट 100% होंगे. मेक श्योर कि आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स भी वैलिड हों, राइट, जिसमें फर्दर चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट और ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट. मैं प्लान कर रही हूँ वैसे अच्छे, एक जो आप किस तरह अपने काउंसलर को, अपने कंसल्टेंट को, अपने एजेंट को कैसे चूज कर सकते हैं, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन में तरफ जाना चाहिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू गेट द वीज़ा. और बिसाइड्स, एक अच्छे अगर आप एजेंट को चूज़ कर लेते हैं तो बाकी तो वीज़ा आपको आंखें बंद करके मिल जाएगा, लेकिन आपका इनिशियल स्टेप हमेशा आपका अच्छा एजेंट चूज़ करना है. आपको पता होना चाहिए रिलायबल है, और आपके केस में कोई भी फेक डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, और यू डेफिनेट गेट द वीज़ा, राइट. सो जलाल, आप बिल्कुल, आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, इमीडिएटली प्रोसेस कर लें. आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकती हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे नंबर जो है, व्हाट्सएप पे नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवा कर, डेट इज़ 0308888 1363, राइट. थैंक यू सो मच अदील. आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली देन अदील, अनफॉर्चुनेटली अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, नॉट कैन गेट द वीज़ा, देन ऑब्वियसली वीज़ा रिफ्यूज़ल तो एक इट्सेल्फ जो है बहुत बड़ा लॉस है, राइट. इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप बैन हो जाएंगे, बिकॉज इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, कुछ जो टॉप रैंक कंट्रीज़ हैं, वो आपस में डेटा शेयरिंग करते हैं, तो आप बिल्कुल उनकी रिकॉर्ड लिस्ट में होंगे, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, हॉलैंड एंड कैनेडा. सो अगर आपका वीज़ा इन किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ हो रहा है, तो आप किसी और कंट्री का को चूज़ नहीं कर सकते, वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका डाटा शेयरिंग होगी. लेकिन डिपेंड करता है, आप किसी और कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं. कोशिश कीजिएगा प्रोसेस ऐसे करवाएं कि आपके रिफ्यूज़ ना हो, ठीक हो क्या? सो देयर वी गो, मैंने आई थिंक सभी क्वेरीज़ को आंसर भी कर दिया है. आपके और कोई क्वेरीज हो, आप मुझे बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि विजिट करना चाह रहे हैं, हमारा ऑफिस है, वो लोकेटेड है कलमा चौक सेंसी टावर लाहौर, ऑफिस नंबर है 205, ऑफिस टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक,
हम सैटरडे को भी अवेलेबल हैं। आप कॉन्टेक्ट करना चाहें, आप विजिट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स आप साथ ला सकते हैं। इनिशियल असेसमेंट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप विजिट कर लीजिएगा। क्वेरीज जो है मैं सेशन यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूँगी। आपकी जो भी फर्दर मोर क्वेरीज होंगी मैं उसको आंसर करती रहूँगी। एंड प्लीज़ इमीजिएटली लास्ट वाइंडिंग अप करते हुए मैं आई वुड जस्ट लाइक टू सजेस्ट यू इमीजिएटली प्रोसेस करवाइएगा अपना जो केस है उसको होल्ड पे ना रखें, ठीक है। आपके अगर ऑफर लेटर आया हुआ है, अपनी कंडीशंस क्लियर करने हैं, क्लियर योर जी टी, सिक्योर योर COE और उसके बाद जो है टाइमली वीज़ा फाइल कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह बॉर्डर भी ओपन हो रहे हैं, फ्लाइट्स भी रिज्यूम हो गई हैं और इंटर बॉर्डर ओपनिंग जो है ये क्लियर इंडिकेशन है। वैक्सीनेशन जो है अपनी लास्ट स्टेज पे है, तो फेयर विंटेक इंशाल्लाह फेस टू फेस ही होगी। अपना बहुत सारा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म रिस्पॉन्स एंड आई कीप वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।